भाई सब्जियों के दाम किसको नहीं पता, और खासकर टमाटर की लाली घरों से गायब है, क्योंकि टमाटर के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिससे जनता तो परेशान है। वहीं अब कांग्रेस से महिला विधायक भी टमाटर और अन्य सब्जियों की माला पहनकर अनोखा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून प्रारंभ हो गया है और विधानसभा की कार्यवाही में महंगाई का मुद्दा खासा गर्माया है। वहीं टमाटर के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेस विधायक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा गले में मिर्ची और टमाटर की माला डालकर पहुंची और उन्होंने कहा कि बहनें हर तरफ परेशान हो रही हैं। मैं सरकार की योजना का विरोध करती हूं। टमाटर और सब्जियों के बढ़ते हुए दामों से जनता परेशान है, ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। विधायक को माला पहनकर सदन के भीतर जाने से रोक दिया गया। आज इतनी महंगाई है, जो मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती, तो मैं उस लाडली बहना योजना का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना गृहस्थी चला रही है। ये माला किसको पहनाने वाली है आप? ये तो मुख्यमंत्री सरकार के जो ये वो हैं, क्या कहते हैं, मुद्दे हैं, और जो लाडली बहना योजना है उसके तहत ये माला मैं पहन के आई हूँ। टमाटर की माला डालकर विधायक आने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ठीक है, मौसमी चीज है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कभी विकास की बात नहीं करेगा, क्योंकि विकास उन्होंने कभी किया ही नहीं है। विकास से कांग्रेस का कोई नाता ही नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में ये थोड़ी ना सब महंगा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में क्या कुछ महंगा नहीं बिक रहा? वहाँ क्या फ्री में मिल रहा है? ये सब मौसमी सब्जियाँ हैं। टमाटर का उत्पादन बारिश से प्रभावित होता है, यह मौसमी महंगाई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, ये मौसमी चीजें हैं। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं है, विकास की बात वो कर नहीं सकते, क्योंकि विकास कभी उन्होंने किया नहीं है, विकास से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो नकारात्मक मुद्दे। अब टमाटर जो है, क्या राजस्थान में नहीं बिक रहा महंगा? क्या जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ क्या फ्री में मिल रहा है? तो ये तो मौसमी सब्जियाँ होती हैं, जब बारिश तेज होती है तो टमाटर की जो उत्पादन होता है वो उससे प्रभावित होता है, तो कोई सब्जी अगर नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से महंगी होगी। तो ये तो मौसमी महंगाई है, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये बातें उठा। फिलहाल कांग्रेस विधायक के इस अनोखे प्रदर्शन के बाद विधायक खासा सुर्खियों में है, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने पक्ष में बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं TNCP एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी, बहेरिया तिराहा, सागर।